डिंडौरी जिले के स्कूलों में बच्चों से काम कराने के अनेकों मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण जिम्मेदारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला मेहदवानी से सामने आया है, जहां ब्लॉक के माध्यमिक शिक्षा शाला सरसी में बच्चों से काम कराया जा रहा है और बच्चों से काम कराने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मेहदवानी ब्लॉक के माध्यमिक शाला सरसी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूली बच्चे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की परीक्षा में कुछ ही समय बचा हुआ है, ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई को परे कर जिम्मेदारों द्वारा बच्चों से काम कराया जा रहा है, जिसे लेकर जिला पंचायत के शिक्षा समिति अध्यक्ष ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच ने भी इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले की जानकारी जब जिम्मेदार शिक्षिका से ली गई तो उन्होंने बच्चों के साथ स्वयं भी काम कराने की बात कही। वहीं अब सवाल यह है कि परीक्षा के नजदीक बच्चों को पढ़ाना छोड़ बच्चों से काम कराया जाएगा तो बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? बाल्टी बड़ी नहीं है, बाल्टी उठाने लायक है, बच्चों को उठाने लायक, और उनके साथ मैं भी कर रही थी। पानी के जो चूना वगैरह के दाग जो लग जाते हैं ये पोस्टर वगैरह में या फिर दरवाजे वगैरह में चूना लग जाता है, तो उसको जहाँ बच्चे नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ मैं कर रही थी और बच्चों के साथ मैं भी की हूँ। बालक एवं बालिकाओं के द्वारा वहाँ के बच्चे मतलब पानी भरने का काम बच्चों से करवाया जा रहा है, तो ये काम शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ ही करवा रहे हैं स्कूल के। तो अब आप बताइए कि स्कूल का एग्ज़ाम पास है, परीक्षा नज़दीक भी आती है, ऐसे में बच्चों का भविष्य कहाँ है? वहाँ लोगों ने बच्चों को देखा पानी के ला के अपना साफ सफेद करवाते रहे, वहाँ लिपाई पुताई करवाए थे मैडम, गलत है ये, जबकि वहाँ मिडिल स्कूल में अपना चपरासी मौजूद है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।